भाई साहब ने अनुभव की बात की थी, बड़े छोटा था मैं तो भल्दवानी में श्रीमद् भागवत गीता का हर साल जो कार्य होता है सबको पता ही है, तो मैं अकेला चला गया और 7 दिन पहले ही चला गया। तो मन में ये भाव रखकर गया था कि इस बार ना मैं जब चंडीगढ़ में बैठी सब अपने मन में कहा दिल्ली के अंदर सोचो विचार किया। तो जैसे ही हल्द्वानी पहुंचा और बोले थे श्रीमद् भागवत के साथ साथ होता है, तो मैं सोया हुआ मां कमरे में आया, ऐसे दरवाजा खटकाया कि नहा के जल्दी आओ, सारे से किया तो मैं पहुंचा। कहते धोती है, अरे धोती तो नहीं है, एक ब्राह्मण को ला के इसको धोती दो, धोती ले ली। तो मां का भांति आती पति जी ने भांति, जबकि हमने मां से नहीं कहा था कि अभी संस्कृति एक में बैठना है, अपने मन की बात है। हाँ, मां कमरे तक आए, दरवाजा खटकाया, मुझे कहा कि नहा के आओ जल्दी, नहा करके जैसे पहुंचा कपड़े पहने और पैंट, क्या धोती है? मैं नहीं, पंडित जी बुला गया इसको धोती दे दो, धोती दे दी। और उसे पंडित जी से कहा कि अब आज से 8 दिन बहुत सत्संग के लिए बैठे, पूरे 8 दिन मां ने खाया, जबकि हमने मां से नहीं कहा था, अपने मन की बात थी, मन के अंदर थी, लेकिन इतनी इतनी बात क्यों आ जाने लगा? अनुभव की बात है, इतनी इतनी बात मां से तो किसी बच्चे की बात छुपी है न छुपेगी। वृंदावन धाम लगाए आवाज बोलो रटे राधे राधे Yeah.
वृंदावन के भागे बिहारी हमसे बड़े।